नेचुरल स्टार नानी की मच अवेटेड पैन इंडिया मूवी दशहरा 30 मार्च को रिलीज हो गई है। कई लोगों ने इस मूवी को पुष्पा फिल्म के साथ कंपेयर किया है, लेकिन एक्चुअल में ये फिल्म कैसी है जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्रीकांत ओरेला ने और ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी एक गांव की होती है जहां के लोग कोयले के खान में काम करते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि हमें शराब तो पीना ही होगा, बिना दारू की हमारी जिंदगी झंड। और उसी गांव में तीन दोस्त धरनी, सूरी और वेनेला भी रहते हैं, जिसमें धरनी और सूरी को वेनेला से प्यार हुआ रहता है। उसके बाद वही कौन करेगा प्यार की कुर्बानी और किसको हासिल होगा अपना प्यार, इसी के आजू बाजू ये फिल्म घूमती है। देखिए, फिल्म में नानी का एक्टिंग मुझे शानदार लगा, उन्होंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है और कहानी के साथ साथ जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भाई कमाल है और कहानी को बढ़िया आगे बढ़ाता है। कुल मिला के कहा जाए तो ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसे केजीएफ 2 और पुष्पा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये फिल्म उससे काफी अलग है। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।